लास्ट क्वेश्चन है वन हम लोग कर लेते हैं एट्थ वन इज नथिंग बट द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम फॉर टू इज़ रुपीज इतना ओके सो व्हाट इज गिवन टू यू इन दिस क्वेश्चन नंबर एट्थ ठीक है लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे सेशन ओके आपको uh, वट इज़ गिवन आपको टाइम इज़ गिवन टाइम कितना है दिया है टू ईयर्स दिया है और दो साल में आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है कितना एट थर्टी टू ओके दिस वॉज द फर्स्ट कंडीशन एंड ठीक है और आपको फिर सिंपल इंटरेस्ट बोल रहा है आपको एस आई एट हंड्रेड सेम रेट एंड सेम टाइम तो रेट सपोज़ आर परसेंट है और यहाँ पर टाइम अगेन टू ईयर्स है और यहाँ पर एस आपको मिल रहा है कितना एट हंड्रेड रुपीज़ और रेट भी सेम है यू हैव टू फाइंड रेट परसेंट ठीक है ओके तो बहुत इजी है आप क्या कर सकते हैं पहले यहां से आप एस आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन हंड्रेड लगा सकते हैं तो एस आई इज हाउ मच एट हंड्रेड एट हंड्रेड इज इक्वल टू पी हमें नहीं पता आर हमें नहीं पता टी हमें पता है टू अपॉन हंड्रेड ओके सो पी इन आर विल गोइंग टू कम हाउ मच दिस विल गोइंग टू कम टू फोर हंड्रेड टाइम्स ना सो इट विल गोइंग टू कम फोर हंड्रेड इंटू हंड्रेड दिस विल गोइंग टू कम फोर्टी थाउजेंड ठीक है फोर जीरोज ना हाँ तो ये पी आर की वैल्यू आ गई ओके फोर्टी थाउजेंड सो फोर हंड्रेड इंटू हंड्रेड विल गोइंग टू गिव मी ठीक है सो दिस इज सपोज इक्वेशन नंबर वन ये इक्वेशन नंबर वन है इसको आप साइड में रख लेना ओके फिर आपको क्या निकालना है वट यू हैव टू फाइंड आपको रेट निकालना है तो रेट निकालने के लिए अब हम इस सी आई वाले में आते हैं तो सी आई वाले में हम लोग पहले अमाउंट निकाल लेते हैं ए इज इक्वल टू पी क्या होता है वन प्लस आर अपॉन हंड्रेड की पावर एन ठीक है एन तो यहाँ पर टाइम है तो टाइम ही यहाँ पर एन है ठीक है टाइम और टाइम पीरियड यहाँ पर सेम है सो ए विल बी इज ईक्ल टू पी पी वी डोंट नो दिस विल गोइंग टू वन प्लस आर हम एल से मिल लेते हैं हंड्रेड दिस विल गोइंग टू गिव अस हंड्रेड प्लस कैपिटल आर लिख रहा हूँ मैं ठीक है कि पावर टू ओके इसको विल सॉल्व थोड़ा सा सॉल्व करेंगे इससे हम सो ए विल बी नथिंग बट पी ये हंड्रेड प्लस आर का होल स्क्वायर लगा लो आप नीचे डिनोमिनेटर में तो हंड्रेड स्क्वायर आ जाएगा ऊपर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी टू ए बी तो टू हंड्रेड आर ओके इस तरीके से ओके okay, और फिर यहां से ए आ जाएगा इफ विल टेक पी इन साइड यहां से ए आ जाएगा हंड्रेड स्क्वायर पी प्लस पी आर स्क्वायर सो पी आर स्क्वायर को मैं पी आर इन टू आर लिख सकता हूं प्लस टू हंड्रेड टू हंड्रेड पी आर अपॉन हंड्रेड स्क्वायर ठीक है लेकिन सी आई मुझे निकालना है ना सी आई होता है ए माइनस पी तो सी आई होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल ओके तो सी कितना दिया एट थर्टी टू इज इक्वल टू अमाउंट कितना है अमाउंट हमने अभी निकाला अमाउंट कितना है हंड्रेड स्क्वायर पी ओके प्लस पी आर प्लस पी आर इंटू आर पी आर इंटू आर प्लस टू हंड्रेड पी आर प्लस टू हंड्रेड पी आर अपॉन हंड्रेड स्क्वायर माइनस पी ठीक है इफ विल टेक एलसीएम अगर हम एलसीएम लेंगे मैं इसी लाइन में कर लेता हूं इसे ओके ट्राई टू अंडरस्टैंड चलो मैं मैं अगली लाइन में दिखाता हूँ आपको ठीक है एट थर्टी टू इज इक्वल टू हंड्रेड स्क्वायर पी प्लस पी आर इन टू आर प्लस टू हंड्रेड पी आर माइनस हंड्रेड स्क्वा हंड्रेड स्क्वायर ठीक है तो यहाँ से यू विल सी दैट दिस हंड्रेड स्क्वायर पी हंड्रेड स्क्वायर पी विल गेट कैंसिल ओके डोंट वरी आई विल प्रोवाइड यू दिस पी डी एफ ओनली ठीक है सो दिस विल गोइंग टू कम एट थर्टी टू इज इक्वल टू अच्छा पी आर की वैल्यू आप फोर्टी थाउजेंड रख सकते हो फोर्टी थाउजेंड है पी आर की वैल्यू तो यहाँ पर पी आर यहाँ पर भी है और पी आर यहाँ पर भी है ठीक है सो दिस विल गोइंग टू गिव यू फोर्टी थाउजेंड फोर्टी तीन जीरो आर प्लस टू हंड्रेड टू हंड्रेड इंटू पी आर की वैल्यू रख लेते हैं फोर्टी थाउजेंड ठीक है ओके अपॉन हंड्रेड स्क्वायर तो हंड्रेड स्क्वायर दोनों के साथ ले लो अपॉन हंड्रेड स्क्न हंड्रेड है दोनों के साथ ले लेते हैं तो चार जीरो चार जीरो तो आराम से काटेगा ठीक है तो मैं यहीं पर कट कर लेता हूं सो दिस फोर जीरो गोइंग टू कट दिस फोर जीरोज एंड दिस फोर विल गोइंग टू कट ओके गोइंग टू कट दिस फोर जीरो ठीक है सो यहाँ पर कैलकुलेशन देन इट विल गोइंग विजी एट थर्टी टू इज इक्वल टू फोर आर प्लस एट हंड्रेड सो फोर आर विल गोइंग टू गिव यू एट थर्टी टू माइनस एट हंड्रेड बी थर्टी टू आर विल बी नथिंग बट एट फोर जो थर्टी टू ना आर विल बी नथिंग बट एट परसेंट ठीक है ओके वेरी सिंपल सो so इट इज़ एट परसेंट थोड़ी सी कैलकुलेशन लग रही है बीच में बट वो कैलकुलेशन है नहीं आपको बताने के लिए मैंने एक एक पॉइंट करा हुआ है सो so आर कितना आ गया एट परसेंट बस दोनों कंडीशन दिए उनका यूज़ करते हुए यू कैन कैलकुलेट ठीक है आर तो आर कितना आ गया एट परसेंट इज़ द राइट आंसर ओके